बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फॉरनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग की क्या पोजीशन रही है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। फॉरनर्स जो है वो ओवरऑल बाइंग पे है, 0.32 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है, जो बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानीज ने की है। ग्रॉस बाइंग जो है वो 10.25 मिलियन, जबकि ग्रॉस सेलिंग 9.93 मिलियन US डॉलर, नेट बाइंग जो है 0.32 मिलियन US डॉलर। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.73 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने जो है वो 0.41 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल ने भी 0.01 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है। लोकल्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड टॉप बायर थे आज के 3.92 मिलियन US डॉलर के साथ, ब्रोकर्स ने 2.82, जबकि कंपनीज ने भी 0.48 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है। इंश्योरेंस जो है वो आज का सेलर था 4.56 मिलियन US डॉलर के साथ, बैंक्स ने भी 1.80 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है, इंडिविजुअल ने 0.64, एनबीएफसी ने 0.13, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.41 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है। सेक्टर वाइज बात करें तो इंडिविजुअल ने जो है वो सीमेंट सेक्टर में सेलिंग की है, ENP में सेल की है और पावर सेक्टर में सेलिंग की है। बाइंग जो है वो बैंक्स में और अदर सेक्टर में हुई है, OMC में भी थोड़ी सी बाइंग की है। कंपनीज ने जो है वो सीमेंट्स में सेलिंग की है, उसके साथ फर्टिलाइज़र और बैंक्स में भी सेलिंग की है, जबकि बाइंग जो है वो ENP सेक्टर में और टेक्सटाइल सेक्टर में की है। बैंक्स अब्लिक DFI ने जो है वो सेलिंग की, अगर बात करें तो अदर सेक्टर में ज़्यादा सेलिंग की है 2.97 मिलियन US डॉलर की, जबकि बाइंग जो है वो OMC और सीमेंट सेक्टर में की है। अच्छा, म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड ने जो बाइंग की है वो एक बैंकिंग सेक्टर में की है 1.29 मिलियन US डॉलर, उसके बाद अदर सेक्टर में सबसे ज़्यादा की है 3.33 मिलियन US डॉलर की। फर्टिलाइज़र में भी इन्होंने बाइंग की है, जबकि सेलिंग जो है वो सीमेंट्स और ENP सेक्टर में की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है वो फर्टिलाइज़र में सेलिंग की है, इसके अलावा बैंक्स में भी सेलिंग की है, जबकि बाइंग जो है वो अदर सेक्टर में की है, पावर सेक्टर में भी थोड़ी सी बाइंग की है। ब्रोकर्स की अगर बात करें तो सीमेंट्स में वो मेन बायर थे, 1.15 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है, और साथ में बैंकिंग सेक्टर में भी बाइंग की है 1.01 मिलियन US डॉलर की, अदर सेक्टर में भी की है। सेलिंग जो है वो OMC में और फूड सेक्टर में की है। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इंश्योरेंस ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो अदर सेक्टर में की है 1.51 मिलियन US डॉलर, उसके बाद बैंक्स में 2.80 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है, बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर में की है। फॉरनर्स की अगर बात करें तो फॉरनर्स ने जो है वो सीमेंट्स में बाइंग की है, फर्टिलाइजर में भी बाइंग की है, ENP सेक्टर में बाइंग की है, जबकि सेलिंग जो है वो बैंक्स में और अदर सेक्टर में की है। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डेटा था आज।